हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत अभी कहाँ से हो रही मालूम क्या आपको? सीधे सीधे छावनी के पुलिस स्टेशन से। तो क्यों? तो हमारे चाहने वालों ने मोहब्बत के खातिर एक छोटी सी हमारी पिन कर दी नीचे से, जबरदस्ती हमारा नाम ले लिए, तो आ गए अपना नाम। तो जामीन के लिए आए अभी छावनी में और जामीन की प्रोसेस चालू है, अभी देखते हैं आगे। मिले तो कल मिलेंगे, नहीं तो अपना फिर हरसुल में फिर ब्लॉगिंग नहीं होंगी, देखते आगे। जो मुझे यहाँ पे आना पड़ा तो ये यही वो शख्स है, इनकी वजह से मुझे आना पड़ा, लाला की वजह से। और ये आरोपी नंबर दो, इसने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन नाम आ गया तो आना पड़ा इधर। तो फिर भाई प्रोसेस कर रहे हैं अभी हमारी, और अभी रुके हम यहाँ पे, देखते बाकी दिखाते आगे। दुआ करो साहब का मूड अच्छा हो, मैं तो बदले थे भाई। इफ्तारी का वक्त हो रहा अभी और 1.5-2 घंटे हो चुके हैं बैठे यहाँ पे। क्या हुआ? तो अल्लाह का शुक्र है अभी हो चुका अपना काम, जा रहे अभी घर की तरफ, मिलते थोड़ी देर में, एनर्जी नहीं बात करने की। छावनी से आते वक्त इफ्तारी का टाइम हो चुका है, तो इफ्तारी के जो हमने शॉपिंग करना था रोज की वो नहीं की थी, तो रास्ते में पंडरपुर में ये शॉपिंग मार्केट है, इफ्तारी का पूरा सामान मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी गए शॉपिंग करने के लिए इफ्तारी की। ये पंडरपुर की जामा मस्जिद है और बाबा साहेब का पुतला भी है, और सबसे ज्यादा रोजा हमारे शाहरुख भाई को लगा क्योंकि इन्होंने बहुत भागदौड़ की। अल्लाह मेरे दोस्तों को ऐसे ही कामयाब करे, ऐसे ही उनकी उम्र में बरकत दे, बहुत मेहनत की उन्होंने आज। आमीन। और जो भी हमारे से ऐसे जबरदस्ती मोहब्बत कर रहा, अल्लाह और भी उनको भी तरक्की दे, उनको भी थोड़ी समझ दे, नहीं तो फिर ऊपर पूछ होंगी तो बहुत तगड़ी पूछ होंगी। हम तो कुछ भी नहीं, ये कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं, वो सबसे बड़ा कोर्ट है, वहाँ पे जब खड़े होंगे तो फिर तगड़े केस होंगे, फिर वो आप बाकी आप आगे सोच सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है रमजान महीना हमारा बच गया, हमारी ईद बच गई, नहीं तो हमारी ईद हरसुल में पक्का थी जबरदस्ती का, है कि नहीं शाहरुख भाई? ठीक ना, कोई दोहराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमको कोई यहाँ पे पसीना भी नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी थोड़ा बहुत रहता दिल में कि फैमिली से दूर होने का डर रहता कि भाई ईद के टाइम अपन फैमिली से दूर हो जाएंगे, बस यही डर था, बाकी कुछ भी नहीं। हमको कंफर्म था कि हम 8-10 दिन रहने वाले अंदर, ये शुक्र है नहीं रहे। अभी करते इफ्तारी, रोजा खतरनाक लग गया। अब ये हमारे सोहेल भाई ने लेके आ गए, ये भी था आरोपी, ये भी था ये तौफीक। तो अभी हो चुका है इफ्तारी का टाइम, ये दरवाजा शाहरुख भाई का खोलेंगे हम। आओ सेठ, गाड़ी लेनी है ना? कहाँ? और ये अपना बैनर, अपने कुछ सब्सक्राइबर ने लगाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इफ्तारी को आए थे अपन मस्जिद में और इफ्तारी चल रही है। आज कौन है हमारे साथ? अफरोज पटेल। यहाँ पे हमारा खाना अभी चालू है, दो पंगत पहले बैठे थे और खाना खा के देखा आंदा चित्ता हो गया आदमी। और सब भाई क्या चल रहा? अभी हो चुका है हमारा खाना और हमारे असलम पटेल, ये दावत चल रही थी अभी, तो पटेल बर्तन धो रहे, इनकी दावत थी। और ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर मिले थे, ये भाई को फोटो निकालना मेरे साथ, निकालते अभी। हेलो, अब वो देखा उड़े। तो ये हमारे बचपन के दोस्त थे अफरोज पटेल, इस एरिया में रहते हैं, पटेल पटेलों का एरिया अलग है। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई क्योंकि इनका बहुत बिजी शेड्यूल में से कभी कभी वक्त देते हो, कहीं शादी की थी रही या कुछ रहा ना, तो पटेल को बोलो पानी फिल्टर का। हाँ, उनका पानी फिल्टर का बिजनेस है, कहीं रहा तो बताओ, करोड़ों का बिजनेस है, इसलिए उनके पास वक्त कम है। पटेल वाटर सप्लायर वालूज रोड बजाज गेट का छोटा जो गेट है ना, उसके सामने एक्यूरेट इनका शॉप है, वहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हैं। पटेल वहाँ पे तुमको अवेलेबल मिल जाएंगे, हमारे बचपन के दोस्त है, काफी बचपन ब्रांड है, ब्रांड इज ब्रांड, बराबर पटेल इज ब्रांड। और उनका नंबर है 95-45-61-17-86 नंबर है उनका। बहुत बहुत अभी भी सब्सक्राइबर को पता नहीं चला, 954। और आपने कोई सब्सक्राइबर होगा तो 61786 डिस्काउंट रहेगा सब्सक्राइबर को, डिस्काउंट का है, जार तुमको 1 रुपए में मिलेंगे, बस 1 रुपए में इतना डिस्काउंट है पटेल। रश में शादी वाले नहीं आना, तो चलते हैं अपन। अभी असलम वहीं सोए हुए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते अपन क्योंकि नाइट में बहुत जागे थे वो, और हमारी जो तकलीफ थी हमारी वजह से उनको तकलीफ हुई थी, तो उसकी वजह से उनकी नींद नहीं हुई, उनसे माफी भी चाहते लेकिन उनको सोने देते अभी। और अपन बढ़ते अपने दूसरी मंजिल की ओर। ये चप्पल जूते रखने का जुगाड़ आपने मालूम है कैसे, मालूम कैसा रखना पड़ता सोहेल? नहीं, एक चप्पल या एक जूता या तो एक डायरेक्ट उधर बाहर, मतलब चोरी नहीं जाता हूँ। मस्जिद की जो गली है ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सजाए, और ये सजाने वाले कौन कारागिर थे मालूम क्या? ये हमारे पापा से स्पॉन्सरशिप भी करा था ना, स्पॉन्सरशिप सोहेल ने किया था, और कारागिर जो ये था वो सामने जो हरिगार तुमको कमान नजर आ रही क्या, वो भी इसने बनाए हुए। तो कुछ काम हमारे गली के जो सभी साथी थे, हमारे भाई दोस्त थे,
उन्होंने भी जो है तो मदद की उसमें, और इतना मदद करने के बाद भी कमल टेढ़ी जो भी है अच्छी बनाए, अच्छी बनाए, खूबसूरत है, पहली बार बनाए अच्छी बनाए। तो अभी पेट्रोल डालने आए अपन पंप पे और इसको भरते, अभी अपन आधी उधी भर देंगे, बाकी देखते हैं। रात भर घूमना है, अभी आज बड़ी रात है ना इसलिए। तो अभी जा रहा हूँ मैं, जाऊँ मस्जिद में क्योंकि आज बड़ी रात है, तो अभी इधर जा रहा हूँ नमाज के लिए, उधर ही इबादत करूँगा। फिलहाल इधर उधर जिसके उसके मस्जिद में जा चुके हैं और मैं जाऊँ मस्जिद में जाके इबादत करूँगा, तो चलते आज बड़ी रात जाऊँ मस्जिद में मनाते हैं। तो आ चुके अभी मस्जिद की पार्किंग में, गाड़ी पार्क कर दी और जा रहे हैं अभी मस्जिद में। बयान चालू है, बैठते अंदर जाके। तो मस्जिद के अंदर अभी बयान चालू है और हमारे मस्जिद के काम सेट में हमारे फैयाज भाई ने ये लस्सी बनाई यहाँ पे बैठ के। अभी दुआ होने के बाद सब में तकसीम होगी। और यहाँ पे हमारे सोनू भाई, साहिल भाई, ये हमारे भैयाजान है, अभी बात नहीं करेंगे, आप समझ सकते क्यों नहीं करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे क्या? अरे छुपा दिए फिर। और फैयाज भाई यहाँ पे है, तो हम सब मिलकर अभी ये भरेंगे दुआ होने के बाद और सब में तकसीम करेंगे। चाहे तो वो दिखा सकते हैं, हम आपको नहीं तो नहीं दिखा सकते क्योंकि मस्जिद, इसलिए तो ये बस दिखाना था आपको अपडेट, इसलिए दिखा दिए। और साथ ही साथ मेरा एक बचपन का दोस्त भी आया है, जो कि आप फर्क देख सकते हैं, बड़ा भाई नहीं, ये एज में कुछ फर्क नहीं, कितने फर्क है आपने, तो ये बचपन का ज्यादा उम्र में कुछ फर्क नहीं है, ये बस 2 साल से बड़ा होगा मेरे से। तो मैं फिर भी इसको भैया बोलता क्योंकि अपने संस्कार है घर से, इसको भैया बोलता मैं। बाकी हमारे एक दूसरे की चट्टी का फटे का नहीं, सब एक दूसरे को मालूम है क्या काली कारना है, सब मैंने इसके साथ में करे बचपन में। ये मेरा दोस्त है, ये थोड़ा बदल गया, मैं थोड़ा बदल गया, चेंज देख सकते हैं आप कैसा है। तो अभी अल्लाह दे इसको और तरक्की दे, सेहत दे, बाकी क्या है, शोहरत कमा लेंगे ठीक है। लस्सी थी सभी सभी को तकसीम कर दी, अभी थोड़ी बची एकदम नॉर्मल। अब ये पूरे बर्तन साफ ऑफ करने की जिम्मेदारी है, पूरी साफ सफाई करके मिलती है आपको। तो हो चुका है अपना सब, और ये अपना गट्टा चला रहा आरोन भाई, तो चलते इसको घर पे छोड़ते और मिलते तुमको। अरे भाई को ले, चलो भैया हो गया। तो अभी आए थे बंडल को घर को छोड़ने को, और उसका अभी ना बुढ़ापे में ऐसे जवानी छूट रही के बोले बाइक पे मुझे फोटो निकालने के बोले, तो मैं इसको वहां से बोल रहा था ये लस्सी मत लेके आ, और ये घर पे लेके आए, देखो 2 बोतल। ये इसका घर जो है ना, ये इसके बगल में यहाँ पे मस्जिद, ये मस्जिद है, ये जो लाइटिंग है ना यहाँ पे भी मस्जिद है, लेकिन क्यों नहीं आता मालूम, क्यों यहाँ पे क्यों नहीं जाता, वहाँ पे क्यों आता मालूम क्या, यहाँ पे कुछ खाने पीने का लाड नहीं रहता, हमारे मस्जिद में लाड रहते करके वो आता ही है ना, फिरोज सही बात है ना ये। तो अभी फिरोज को छोड़ के आया, जो बैनर लगा था बाबा साहेब का मैंने आपको दिखाया था, तो उसकी एक झलक मारने जा रहा हूँ। मैंने अभी सुना ऐसा कि वो बैनर जो है तो ऊपर की तरफ लगाए उन्होंने, मैं चेक करने जा रहा हूँ अभी कि वो ऊपर उसका जो लुक है कैसा लग रहा होगा अभी। तो चलिए तुमको दिखाता हूँ आगे बैनर किस तरह उन्होंने अभी होल्डिंग ऊपर लगा दी है, कमान के पास ही लगाई है, और जहाँ से गाँव की शुरुआत होती है ना वही से उन्होंने लगाई है, तो देखते है अभी आगे जाके। तो बैनर कुछ इस तरह है, यहाँ पे रात का वक्त हो चुका है तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मैं सड़क पे हूँ अभी, और यहाँ से पहले नीचे था तो अभी ऊपर लगा दिए बच्चों ने, तो अभी काफी खूबसूरत लग रहा, कमेंट करके बताओ कैसे लग रहा करके। भीम जयंती की एडवांस में सबको शुभेच्छा मेरी तरफ से। तो चलते हैं अभी घर पे और सीधा घर पे मिलते हैं, स्पेशली मैं बैनर देखने के लिए आया था, अच्छा लग रहा, शुक्रिया जिसने भी लगाया उनका तहे दिल से शुक्रिया, मिलते हैं आपको घर पे।